हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एसेंट स्कूल ऑफ साइंस की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ये तीसरा पार्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स का। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इसके पिछले लेक्चर में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पर यूनिपैरेंटल इन्वॉल्व होता है, गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होता है। लेकिन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। याद रखना है, यहाँ पर मेल और फीमेल गैमिट्स का फ्यूज़न होता है, और जब मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूज़न होगा, इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें याद ये रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा वो आइडेंटिकल नहीं होगा। एक पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होता है। अब हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? व्हेन मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेल एंड फीमेल पेरेंट रिस्पेक्टिवली, यानी कि मेल गैमिट मेल पेरेंट से और फीमेल गैमिट फीमेल पेरेंट से जब प्रोड्यूस होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, क्योंकि इंडिविजुअल अलग अलग है, मेल अलग है और फीमेल अलग है। जैसे हम लोग मैन में देखते हैं, कॉ में देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट है बायसेक्सुअल, यानी व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस फ्रॉम सेम इंडिविजुअल, जब एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स ऑर्गेन हो, यानी ऐसे हम हर्मोफ्रोडाइट एनिमल भी बोलते हैं, तो जब एक ही एनिमल में दोनों ऑर्गेन होता है उसको हम लोग बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, ऐसे रिप्रोडक्शन को बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, अर्थवॉर्म एग्जांपल है, टेपवॉर्म इसका एग्जांपल होता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाला है अब फेज इन लाइफ साइकिल। हम लोग देख रहे हैं फेज क्या होता है, कि हम लोग देयर आर थ्री फेज। हम लोग अगर बात करें कि फेज कितना होगा लाइफ साइकिल हम किसी ऑर्गेनिज्म्स का, तो थ्री फेज होता है। पहला फेज हम लोग बोलेंगे जुबिनाइल फेज, जुबिनाइल फेज को हम लोग प्लांट में वेजिटेटिव फेज ही बोलते हैं। सेकेंड फेज को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, और थर्ड फेज है सेनिसेंट फेज। तो हम लोग बारी बारी से तीनों फेज को देखेंगे। व्हाट इज जुबिनाइल फेज? जुबिनाइल फेज हम किसे बोलेंगे? तो जुबिनाइल फेज को हम लोग प्लांट में, इसको वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच सर्टन फेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ साइकिल, यानी सभी ऑर्गेनिजम्स एक सपोज बर्थ से लेकर, सपोज यहाँ पर क्या है, बर्थ से लेकर के हम देखेंगे, बर्थ से लेकर एक डेफिनेट फेज तक पहुंचता है, यानी सेक्सुअल फेज तक पहुंचता है, सेक्सुअल फेज तक। और सेक्सुअल से यहाँ तक का जो फेज है, इस फेज को हम लोग, यानी कि सेक्सुअल के बाद का फेज नहीं, सेक्सुअल से जो पहले का फेज होता है, इस फेज को हम लोग, यहाँ से यहाँ तक के फेज को हम लोग बोलते हैं जुबिनाइल फेज। यानी जुबिनाइल फेज में हमें याद रखना है कि जुबिनाइल फेज का ड्यूरेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स में अलग अलग होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स में। यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी के जो पहले वाला फेज है उसको हम लोग बोलते हैं जुबिनाइल फेज, ठीक है, यानी बिफोर रिप्रोडक्टिव फेज इज नोन एज जुबिनाइल फेज। अब हम लोग आते हैं सेकेंड फेज में, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज हम लोग देखते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है, यानी कि व्हेन द ऑर्गेनिज्म्स स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग इन देयर लाइफ साइकिल, जब लाइफ साइकिल में वह रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उसमें डेवलप हो जाता है, तब उस फेज को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। यानी इट इज द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, जब ऑर्गेनिज्म्स मैच्योर हो जाता है, उसमें एबिलिटी आ जाता है यंग वंस प्रोड्यूस करने का, तब उस फेज को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज।
इन सम फ्लावरिंग हम प्लांट देखते हैं, कुछ फ्लावर जो है सीजनली ग्रो करता है और कुछ फ्लावर हम लोग देखते हैं थ्रू आउट ईयर ग्रो करता रहता है। सम प्लांट, कुछ प्लांट है जैसे बायनियल प्लांट है, बायनियल मीन जिसका लाइफ साइकिल दो बार होता है, एनुअल प्लांट जिसका लाइफ साइकिल एक ही बार होता है उसके पूरे लाइफ पीरियड में। तो सो क्लियर कट ऑफ वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनिसेंट फेज, तीनों में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कुछ अनयूजुअल फेज रिप्रोडक्टिव फेज भी है, जैसे हम लोग एग्जांपल देखेंगे बैम्बू में, तो बैम्बू स्पीशीज में हम लोग क्या देखते हैं बैम्बू में कि इसमें होल लाइफ साइकिल में यानी फ्लावर वंस ओनली इन देयर लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम पूरे जीवन काल में एक बार ही फ्लावर उसमें होता है आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। तो इसका भी अलग फेज है। अगर हम देखते हैं स्ट्रोवलियंथस में, हम अगर हम देखें तो यानी नील कोरंजी बोलते हैं इसको फ्लावर में, वंस इन 12 ईयर यानी 12 साल में एक बार फ्लावर उसमें होता है। तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग स्पेसीज में जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है ये अलग अलग तरीके से होता है। अब हम रिप्रोडक्टिव फेज़ को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज़ को हम लोग अब दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, देखते मेंस्ट्रुएशनल फेज़ और एस्ट्रस फेज़। अब ये दोनों फेज़ क्या होता है हम देखते हैं, दोनों को देखेंगे बारी बारी से। तो हम लोग पहले देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़ में क्या होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके यानी ये प्राइमेट्स में होता है। और प्राइमेट्स क्या है, प्राइमेट्स मतलब ह्यूमन प्राइमेट्स में आता है, एप मंकी ये सब प्राइमेट्स में आता है। अब इसमें भी हम लोग देखते हैं कि तीन फेज़ होता है, यहाँ भी हम देखेंगे प्राइमेट्स में तीन फेज़ होता है। यानी हम लोग देखेंगे कि अगर हम देख लें कि मेंस्ट्रुएशनल और एस्ट्रस में डिफरेंस को भी हम लोग देखेंगे अभी। और जो एस्ट्रस साइकिल होता है ये क्या होता है नॉन प्राइमेट्स में, कॉ में, सीप में, टाइगर में, दैट मीन्स डिफरेंट एनिमल में ये होता है। एस्ट्रस साइकिल मतलब है कि इसमें एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर इस फेज़ में, मेंस्ट्रुएशनल फेज़ में हम देखेंगे तो ये फेज़ भी तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है प्रोलिफरेटिव फेज़ बोलते हैं इसको, सेकेंड फेज़ को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर ल्यूटियल फेज़ बोलते हैं, और थर्ड यानी सेक्रेटरी फेज़, और थर्ड फेज़ होता है मेंस्ट्रुअल फेज़ यानी ये ब्लीडिंग फेज़ है। और जहाँ से क्या होता है कि जो रप्चर ब्लड्स क्या होता है बाहर आता है एंडोमेट्रियम से ब्रेक डाउन होकर के। और हम देखते हैं जो एस्ट्रस साइकिल होता है ये नॉन प्राइमेट्स में होता है, याद रखना। इसमें इस तरह का जो प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है या सेक्रेटरी फेज़ होता है या मेंस्ट्रुएशनल फेज़ होता है, ये फेज़ मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह का फेज़ नहीं होता। तो सिंपली हमें याद रखना है कि जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होता है ये प्राइमेट्स में होता है, एस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल में डिफरेंस क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होगा और ये नॉन प्राइमेट्स में होगा। इसमें फेज़ होता है, ब्रीडिंग का फेज़ होता है, प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है, सेक्रेटरी फेज़ होता है, मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है, बट एस्ट्रस साइकिल में इस तरह का फेज़ नहीं होता। जो प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, लेकिन एस्ट्रस साइकिल में ये बहुत लेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज़ में ये को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अब हम लोग आते हैं तीसरा है सेनिसेंट फेज़। इस फेज़ में क्या होता है हम लोग देखते हैं सेनिसेंट फेज़ में कि यहाँ देख रहे हैं कि इन दिस फेज़ ये क्या है, धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ साइकिल है धीरे धीरे डिजनरेट करना शुरू हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। और क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स का बॉडी अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ यानी धीरे धीरे उसका जो कैपेसिटी है, एजिंग हम बोल सकते हैं, एजिंग यानी बर्थ हुआ, यंग ऑन हुआ, मैच्योरिटी होगा और आफ्टर दैट क्या होगा, डेथ होगा। यानी कि हम लोग अगर तीनों को कंबाइंड कर दें कि जुबिनाइल फेज़ में क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि जुबिनाइल फेज़ में क्या होता है, जुबिनाइल फेज़ में क्या होगा, बर्थ होगा। बर्थ होगा कहाँ तक होगा, एट मैच्योरिटी तक। सेकेंड फेज़ है रिप्रोडक्टिव फेज़, इसमें क्या है, सेक्चुअली ऑर्गेनिजम्स मैच्योर हो जाता है, एबिलिटी आ जाता है यंग वंस प्रोड्यूस करने का। और जो सेनिसेंस फेज़ है इसमें क्या होता है, डिजनरेशन शुरू होता है और फाइनली एनिमल मर जाता है। तो ये तीन फेज़ हम लोग देखते हैं लाइफ साइकिल में, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम लोग आते हैं इवेंट्स इन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स क्या क्या होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। 3 इवेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी प्री मीन्स क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बिफोर का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 प्रोसेस होता है, गैमिट का फॉर्मेशन जिसको हम लोग गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं और ट्रांसफर ऑफ गैमिट यानी गैमिट का ट्रांसफर, चाहे वह मेल गैमिट हो फीमेल गैमिट हो हम लोग उसको देखेंगे। फर्टिलाइजेशन में भी क्या देखेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब होगा कि फर्टिलाइजेशन जब बॉडी के बाहर हो, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जब 2 गैमिट्स कंबाइंड होगा तो जायगोट का फॉर्मेशन होगा, और जब जायगोट का फॉर्मेशन होगा तो जायगोट में क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, और जब सेल डिफरेंशिएशन होगा तो एम्ब्रियोजेनेसिस दैट मीन्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और एम्ब्रियो के बाद क्या हो गया, फाइनली बॉडी का फॉर्मेशन होगा, न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ तो हम लोग अब देख रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है हम लोग देखेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब है बिफोर रिप्रोडक्टिव यानी बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, 2 चीज़ें होता है कि गैमिटोजेनेसिस दैट मीन्स गैमिट का ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स। तो हमें याद रखना है कि गैमिटो यानी प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया कि बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे गैमिट का फॉर्मेशन, यानी इसमें हम 2 इवेंट्स को देखते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या है कि द इवेंट बिफोर द फ्यूज़न ऑफ गैमिट्स, यानी फ्यूज़न ऑफ गैमिट्स के बिफोर जो इवेंट्स होता है, बिफोर फ्यूजन क्या होगा तो गैमिट का फॉर्मेशन, गैमिट बनेगा और गैमिट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये 2 प्रोसेस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अब हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन का पहला फेज है गैमिटोजेनेसिस यानी गैमिट का फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। तो गैमिटोजेनेसिस हम लोग देखेंगे कि 2 तरह का होता है, आइसोगैमिट्स एंड हेट्रोगैमिट। आइसोगैमिट का मतलब क्या होता है कि 2 गैमिट्स आर सिमिलर इन अपेरेंस। जब हम देखते हैं 2 गैमिट्स एक ही तरह का हो, एक ही तरह का दिख रहा हो, सिमिलर अपेरेंस हो, जहाँ जैसे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 गैमिट्स हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, क्लाइडोफोरा में, कि सिमिलर स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिख रहा है, तो ऐसे गैमिट्स को हम लोग बोलेंगे आइसोगैमी। क्या बोलेंगे इसको, आइसोगैमी, या इसको होमोगैमी बोलेंगे। यानी जब गैमिट्स क्या होगा, गैमिट्स का अपेरेंस सिमिलर हो, एक ही तरह का हो, तब उसको हम लोग आइसोगैमी बोलेंगे। और जब 2 गैमिट्स डिफरेंट फॉर्म में हो, एक दूसरे से अलग हो, डिसिमिलर हो, तब उसको हम लोग हेट्रोगैमिट्स बोलेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये मेल और फीमेल गैमिट, ये फीमेल गैमिट दिख रहे हैं और ये मेल गैमिट दिख रहे हैं, दोनों का शेप देख रहे हैं अलग अलग है, इसलिए क्या हो गया, ये हेट्रोगैमिट्स हो गया। यहाँ भी देख रहे हैं डिफरेंट है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, हेट्रोगैमिट्स। तो हेट्रोगैमिट्स में क्या होता है कि मेल गैमिट्स अलग होगा और फीमेल गैमिट्स अलग होगा। मेल गैमिट्स को हम लोग एंथ्रोजॉइट्स या हम स्पर्म बोल सकते हैं, फीमेल गैमिट्स को हम लोग एग या ओवम बोलते हैं। यानी कि इस तरह से हम देख लिया कि आइसोगैमी मीन सिमिलर टाइप ऑफ गैमिट्स, हेट्रोगैमी मतलब डिसिमिलर टाइप्स ऑफ गैमिट्स। अब हम लोग देख रहे हैं इस गैमिट्स में हम लोग देखेंगे कि कुछ कॉमन टर्म्स है जिसको हम लोग देखेंगे अभी हम लोग, यानी कुछ जो टर्मिनोलॉजी इसमें देखते हैं हम लोग, होमोथैलेमिक, हेट्रोथैलिक और हार्मोफोडाइट, डाइसियस, मोनोसियस। ये कुछ टर्म्स हमें याद रखना है, जब तक ये टर्म्स याद नहीं होगा तो हम आगे कन्फ्यूज करेंगे, इसलिए इस टर्म्स को हमें याद रखना है। होमोथैलिक का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब सेम,
होमो मतलब सेम, मीन्स बिलोंग्स टू सेम पेरेंट्स. जब एक ही पेरेंट्स का गैमिट सेम यानी कि सिमिलर पेरेंट्स का बिलोंग्स टू सेम पेरेंट्स हो तब उसको बोलते हैं होमोथैलिक, सिमिलर टाइप्स का गैमिट्स. हेट्रोथैलिक का मतलब है बिलोंग्स टू डिफरेंट पेरेंट्स. जब अलग अलग पेरेंट्स से गैमिट्स आता हो यानी बायसेक्सुअल हम इसको बोल सकते हैं तब उसको बोलेंगे हेट्रोगैमिट. यानी ये क्या हो गया, डिफरेंट पेरेंट हम यहाँ बोल सकते हैं. और हर्मोफ्रोडाइट, हर्मोफ्रोडाइट मतलब है बायसेक्सुअल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल. और डाइसियस, डाइसियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, याद रखना है डाइसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल. और मोनोसेक्सुअल का मतलब है बायसेक्सुअल. अब यहाँ पर देख रहे हैं कि होमोथैलिक मतलब भी बायसेक्सुअल हो, डाई हेट्रोथैलिक मतलब भी हो रहा है बायसेक्सुअल, और यहाँ पर हम देखते हैं मोनोसेस का मतलब भी हो रहा है. तो मोनोसेस क्या होता है, प्लांट में हम मोनोसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है. तो हम लोग देख रहे हैं ये कॉमन टर्म्स है होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक, हर्मोफ्रोडाइट, डाइसियस, मोनोसेस, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. होमोथैलिक एंड मोनोसेस क्या मतलब हो रहा है, होमो मतलब सिमिलर, यानी जब क्या होगा से दोनों गैमिट्स सेम पेरेंट से आ रहा हो, सिमिलर पेरेंट से आ रहा हो. और मोनोसिस का मतलब भी है कि एक ही प्लांट में जब दोनों ऑर्गन हो. सपोज हमने मेज़ का प्लांट देखा, अब ये हम मेज़ का प्लांट देखेंगे. मेज़ का प्लांट में क्या होता है, अपर पार्ट में क्या होगा, अपर पार्ट में हम देखते हैं फ्लावर होता है इस तरह का, और नीचे यहाँ पर हमने देखा कॉब होता है. तो ये जो नीचे कॉब देख रहे हैं, कॉब होता है, तो ये कॉब यानी ये फीमेल पार्ट है, और यहाँ पे फ्लावर होता है उसको मेल पार्ट बोलते हैं. तो एक ही प्लांट में दोनों ऑर्गेन है, यहाँ मेल ऑर्गेन है और इस जगह फीमेल पार्ट है, इसको हम मोनोसियस प्लांट बोलेंगे. यानी बायसेक्सुअल प्लांट है, हर्मोफ्रोडाइट प्लांट है. ऐसे इसका एग्जांपल क्या हम देखेंगे, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में दोनों ऑर्गेन एक ही में होता है, टेपवॉर्म, स्पॉन्जी, लीच, ये सब क्या होगा, बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स है. अब हम लोग आते हैं हेट्रोथैलिक और डाइसियस. हेट्रोथैलिक मीन्स टू डिफरेंट पेरेंट्स, दैट मीन्स यहाँ पर हम बोलेंगे टू डिफरेंट अगर है तो ये अलग अलग पेरेंट्स है, इसका मतलब ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन है. डाइसियस का मतलब वही हुआ कि दो अलग अलग बॉडी यूनिसेक्सुअल, आइदर मेल और फीमेल बट डिफरेंट है. जैसे कॉकरोच है तो मेल कॉकरोच अलग होगा, फीमेल कॉकरोच अलग होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डाइसियस एनिमल बोलेंगे. उसी तरह हम लोग देख रहे हैं इन फ्लावरिंग प्लांट में, हम देखें इसको तो इन फ्लावरिंग प्लांट हम देखेंगे कि मोनोसियस और डाइसियस को अलग किया गया. मोनोसियस मतलब है कि बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में बी प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल, जब एक ही में हो. जैसे हमने अभी मेज़ का एग्जांपल दिया, तो मेज़ में अपर साइड में क्या होता है, मेल फ्लावर होगा मेज़ प्लांट में, और लोअर साइड में इस जगह पर कॉब होता है, इसको भुट्टा बोलते हैं. तो ये कॉब इज ए फीमेल पार्ट, कॉब में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज स्टिग्मा. तो यहाँ से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है. तो यहाँ पर कुकुर बीट्स में, कोकोनट में, ये दीज ऑल आर मोनोसियस प्लांट. अब हम लोग बात कर रहे हैं डाइसियस का, तो डाइसियस का मतलब है बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में बी प्रेजेंट ऑन सेपरेट इंडिविजुअल्स, दैट मीन्स डिफरेंट इंडिविजुअल होगा, मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा. उसका एग्जाम्पल हम पापाया देख सकते हैं, पाम देख सकते हैं. अब ये दो अलग अलग अगर प्लांट है, इसका मतलब है कि ये यूनिसेक्सुअल होगा. अब यूनिसेक्सुअल होगा तो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा. अगर ये मेल फ्लावर है तब इसको बोलते हैं स्टेमिनेट, और अगर ये फीमेल फ्लावर है तब इसको क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर, इसको हम लोग बोलेंगे. नेक्स्ट है गैमिट ट्रांसफ़र. हम लोग देखते हैं गैमिट का ट्रांसफ़र कैसे होता है. गैमिट ट्रांसफ़र मतलब है कि मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड गैमेटेंजिया एंड दे आर अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ टुगेदर. यानी जब मेल और फीमेल गैमिट्स एक साथ आ जाता है, यानी कि फ्यूज़न हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं गैमिट ट्रांसफ़र. तो ये दोनों का जो कम्बाइनेशन होता है, मीन्स फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मीन्स सिनगैमी, गैमिट्स कम टुगेदर फॉर फ्यूज़न. जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ दो गैमिट्स एक साथ आया है, यहाँ फ्यूज़न हो रहा है, और जब दो गैमिट्स का फ्यूज़न होगा तो क्या हो गया, जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, और जायगोट के बाद क्या हो रहा है कि न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है.
तो इस तरह से हम देखते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेल गैमिट्स इज मोटाइल। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये मोटाइल ट्रांसफर जो हो रहा है गैमिट्स का कैसे होता है, तो हम लोग देखते हैं मोस्ट ऑफ केस मेल गैमिट मोटाइल होता है, खास करके हम देखें अलगी में, ब्रायोफाइट्स में, टेडोफाइट्स में, एंड फीमेल आर नॉन मोटाइल होता है। ये हमें याद रखना है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता रहता है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग इन मैनी अलगी एंड फंगी, कहीं कि हम देखते हैं बहुत सारे अलगी में फंगी में कि बोथ गैमिट्स आर मोटाइल, दोनों गैमिट कहीं मोटाइल होता है, बट मोस्ट ऑफ केस हम देखते हैं कि मेल गैमिट्स मोटाइल होता है। तो मैनी मेल गैमिट्स अगर हम देखें मे नॉट एबल टू रीच द फीमेल गैमिट्स, तो बहुत सारा जो गैमिट्स है वह जो नॉन मोटाइल होगा वह फीमेल तक नहीं पहुँच पाता, और उस और उसको कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, सेवरल मेल गैमिट्स आर प्रोड्यूस, यानी मैक्सिमम मेल गैमिट्स प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स अगर हम बोलें कि ये मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स, जनरली हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि जनरली मेल गैमिट्स मोटाइल होता है और फीमेल गैमिट्स नॉन मोटाइल होता है, बट बहुत सारे अलगी में, बहुत सारे फंगी में दोनों गैमिट्स मोटाइल होता है। नौ अब हम लोग देखेंगे तो चूँकि मेल, अब बहुत सारे प्लांट्स के अंदर हम देखेंगे कि जो मेल गैमिट्स होता है ये मैक्सिमम रिच करता है, कारण क्या है कि मेल गैमिट्स में नॉट एबल टू रिच द फीमेल गैमिट्स, मेल गैमिट्स फीमेल तक नहीं पहुंच पाता, कारण क्या है कि कोई एक्सटर्नल एजेंट, कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है उसमें और मेल गैमिट्स फीमेल गैमिट्स तक नहीं पहुँच पाता। एयर का ज़्यादा प्रेशर आ जाए तो गैमिट्स नहीं पहुँच पाता, वाटर का फ्लो ज़्यादा हो, एक्वाटिक प्लांट है तो क्या होगा, वाटर के थ्रू गैमिट्स नहीं पहुँच पाएगा, तो उसका लॉस को कंपनसेट करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ गैमिट का फॉर्मेशन इन सीड प्लांट पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस द एंथर एंड ट्रांसफर टू द स्टिग्मा बाय प्रोसेस नॉन एज पोलिनेशन, यानी हम बोल सकते हैं कि जब ये एक हमने देखा है प्लांट है, प्लांट में हम देखते हैं ये जो पार्ट दिख रहा है ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट में क्या होता है एंथर, एंथर एंड फिलामेंट इज ए मेल पार्ट, और यहाँ देख रहे हैं हम लोग ये स्टिग्मा है और ये फिलामेंट है और यहाँ पर ओवरी होता है, ये फीमेल पार्ट है। तो क्या होता है, किसे हम बोलते हैं पोलिनेशन, जब एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो करके स्टिग्मा पर जाता है, यानी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन, उसको हम लोग पोलिनेशन बोलेंगे। नाउ तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, दो तरह का होता है, सेल्फ होता है और क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो सेल्फ में क्या होता है कि जब कोई एक फ्लावर में, यानी एक एंथर से इसी सिमिलर फ्लावर में एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा पर होता है, यानी जब हम देख रहे हैं कि एक ही फ्लावर में, सिमिलर फ्लावर, सेम फ्लावर में एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, स्टिग्मा पर हो रहा है, तब इसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और जब एक फ्लावर से, एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर दूसरे फ्लावर पर होता है, तब इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ मीन्स क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन का मतलब ये होता है कि सेम फ्लावर पर, सेम फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो तब कहेंगे उसको सेल्फ पोलिनेशन, और जब एक प्लांट के फ्लावर से और उसके एंथर से दूसरे फ्लावर पर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो तब उसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। तो ट्रांसफर करने के लिए, ग्रेन का ट्रांसफर के लिए हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइट्स में, टेडोफाइट्स में, अलगी में क्या होता है, एक्सटर्नल मीडियम इन्वॉल्व होता है, दैट मीन्स वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, कहीं हम लोग देखते हैं एयर का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्वाटिक प्लांट में थ्रू वाटर इन्वॉल्व होता है, दैट मीन्स ट्रांसफर जो होगा पोलन ग्रेन उसमें एक्सटर्नल एजेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब है व्हेन मेल एंड फीमेल गैमिट्स फ्यूज टुगेदर, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के इनसाइड हो तब उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे सपोज मान लिया बोनी फिश, एम्फीबियंस मीन्स फ्रॉग में, अलगी में, ये सब में हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और बर्ड्स में, ह्यूमन में, रेप्टाइल्स में क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट भी इंटरनल होता है। इन केस ऑफ एनिमल मेल गैमिट्स आर ट्रांसफर टू फीमेल गैमिट्स बाय थ्री डिस्टिंक्ट पैटर्न। अब ये जो ट्रांसफ़र हम देख रहे हैं गैमिट्स का, ये तीन पैटर्न पर होता है, वेयर फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अकर्स विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द मैटर्नल बॉडी में जब होता है, तो ये तीन पैटर्न पर होता है। हम लोग देखते हैं किस तरह से होता है। जैसे पहला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल होगा और डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल होगा। तो जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी क्या हो रहा है कि एग रिलीज आउटसाइड द बॉडी हो रहा है और मेल गैमिट्स भी रिलीज आउटसाइड द बॉडी होगा और फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के बाहर होगा, यानी डेवलपमेंट भी बॉडी के बाहर होता है। तो उसको वैसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। ये इसका एग्जांपल क्या है, ओविलिया, नेरिस, लेबियोरोहिटा, ये सब में इस तरह का है। लेबियोरोहिटा मीन्स बोनी फिश में होता है, फ्रॉग में होता है, अलगी में होता है, ये सब में क्या होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल होता है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा लेकिन उसका डेवलपमेंट बाहर होगा। जैसे सार्क है, लिजार्ड्स है, बर्ड्स है, तो देखा कि बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है बट आफ्टर प्रोड्यूसिंग एग, एग का हैचिंग क्या होगा आउटसाइड द बॉडी होता है। इसीलिए ऐसे को हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। तीसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट। इन केस ऑफ हम लोग मैमल देखते हैं, इन केस ऑफ ह्यूमन देखते हैं कि क्या होता है, जहाँ पर गेस्टेशन पीरियड होता है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है और डेवलपमेंट भी इनसाइड होता है। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स में देखेंगे उसका गेस्टेशन पीरियड अलग अलग होता है और उसके बाद आफ्टर गेस्टेशन पीरियड क्या होगा, मैचुरेशन के बाद चाइल्ड बर्थ होता है। अब हम लोग देख रहे हैं इसी में पार्थेनोजेनेसिस क्या है, यानी पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिज्म्स जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होगा, बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी देयर आर सम ऑर्गेनिज्म्स इन विच गैमिट्स अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन का ही ऑर्गेनिज्म्स का डेवलपमेंट हो जाता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होगा, बॉडी का जब डेवलपमेंट हो जाएगा उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। रोटीफर्स में, हानी बी में देखते हैं, कुछ लिजार्ड्स में भी होता है, तो उसमें देखते हैं कि हम लोग ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे। और पार्थेनोजेनेसिस बहुत सारे फ्रूट्स में भी होता है, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन व्हेन फ्रूट्स इज फॉर्म, सच प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस एंड सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। नाउ अब हम लोग आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोसेस होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होता है हम लोग देखेंगे जायगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जायगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियो भी देखेंगे मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होता है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि जायगोट फॉर्मेशन मीन्स टू हैप्लोइड गैमिट्स फ्यूज टू फॉर्म्स डिप्लोइड जायगोट। मीन्स याद रखना है गैमिट्स हमेशा हैप्लोइड होगा, लेकिन जब दो गैमिट्स कंबाइंड करता है तब वह क्या बनेगा, जायगोट बन जाता है, और जायगोट हमेशा डिप्लोइड होता है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये मेल इंडिविजुअल फीमेल इंडिविजुअल्स है, मियोसिस के द्वारा, याद रखना है गैमिट्स का फॉर्मेशन मियोसिस के द्वारा होगा। जब ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इसको हैप्लोइड गैमिट बोलेंगे, और फीमेल में जब ओवा का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग फीमेल गैमिट्स बोलेंगे। जब दोनों फ्यूज़ हो जाता है
दैट इज कॉल फर्टिलाइजेशन। ये क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, और ये जायगोट डिप्लॉइड होता है, ट्वेन होता है, और जायगोट में जब सेल डिफरेंशिएशन होता है तब क्या होगा, डेवलपमेंट होता है और ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस हो जाता है। ऑफस्प्रिंग फिर ग्रो करके क्या होगा, इस तरह से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जायगोट क्या है, जायगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन, यानी डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है कि न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी जब जायगोट में क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, सेल डिवीजन होगा, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जायगोट एनिमल आर टू टाइप्स, हम लोग थ्री टाइप भी बोल सकते हैं, कि एक होता है ओवीपेरियस एनिमल, दैट मीन्स जो एग लेइंग एनिमल होता है, जो एनिमल एग प्रोड्यूस करता है, खास करके हम देखेंगे रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, ये सब क्या है, ओवीपेरियस एनिमल होता है। अब एक होता है वीवीपेरियस एनिमल, जो यंग वन प्रोड्यूस करता है, मैमल्स है, मैमल में देखते हैं, सारे मैमल्स में हम देखेंगे, डॉग में देखेंगे, ह्यूमन में देखेंगे कि यंग वन प्रोड्यूस करता है। और एक होता है ओवो वीवीपेरियस, दैट मीन्स यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ ओवी भी है और वीवी भी है, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कॉकरोच में स्पेशली देखते हैं एग प्रोड्यूस होता है, लेकिन एग ये क्या होता है, बॉडी के बाहर रिलीज नहीं करता, क्या होता है, एक ओथिका का फॉर्मेशन करता है, और उस ओथिका में बहुत सारा एग क्या होता है, अरेंज्ड हो जाता है, और इस ओथिका को वह कैरी करता रहता है, एनिमल कैरी करता रहता है, जब मैच्योर हो जाता है, यानी कि डेवलपमेंट एक्सटर्नल नहीं होता, डेवलपमेंट उस ओथिका के अंदर ही न्यूट्रिशन मिलता रहता है, और जब डेवलपमेंट हो जाता है तो यह ओथिका बेडॉन होता है और नीम्फ, यहाँ बहुत सारा नीम्फ का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको हम लोग ओवीपेरियस बोलते हैं। इस तरह से डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं कि तीन टाइप से होता है। अब हम लोग आते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट जायगोट इज फॉर्म इनसाइड ओव्यूल, जब ओव्यूल के अंदर होगा, ओव्यूल क्या है, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं प्लांट में, इस तरह से ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब ये ओव्यूल है सपोज, तो इसको ओव्यूल के अंदर हम देखेंगे क्या होगा, ओवरी होता है, तो द जायगोट इज फॉर्म इनसाइड ओव्यूल ऑफ द ओवरी, और ओव्यूल ओवरी के अंदर होगा, यही ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीड में, सीड बन जाता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, और ये पॉइंट याद रखना है कि ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स। ओवरी क्या होता है, फ्रूट्स में डेवलपमेंट हो जाता है और डेवलप होकर एक थिक वाल का स्ट्रक्चर बनाता है, और थिक वाल को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प, थिक वाल को क्या बोलेंगे, पेरिकार्प, और यही पार्ट फ्लेशी होता है, इडेबल होता है। पेरिकार्प को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, जो फ्लेशी होता है, अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग पार्ट इडेबल होता है। इस तरह से हम लोग देख लिए कि फ्लावरिंग प्लांट में भी और एनिमल में भी डेवलपमेंट क्या होगा, क्या अलग अलग तरीके से होता है, ओव्यूल और ओवरी हम लोगों ने देख लिया। दिस इज ऑल अबाउट